सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कौन से वो टैलेंट है जो आपको बॉर्न हीलर बनाते हैं, जन्म से ही एक अच्छा हीलर बनाते हैं? ऐसे टैलेंट आपको बाय बर्थ मिलते हैं और आप इन टैलेंट्स को अपनी लाइफ में, दूसरे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्न टैलेंट कौन से है वो पॉइंट वाइज बताऊंगा, अगर आपके भी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टोव। एज अ हीलर आप काम कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं मास में। वो कौन से टैलेंट हैं जो नेचुरली आपको बॉर्न हीलर बनाते हैं, जन्म से हीलर बनाते हैं? कुछ स्किल्स तो आप बाद में सीखते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, आकाशीय रीडिंग हो गया, रेकी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, स्पेल्स हो गया, कैंडल स्पेल्स हो गया, बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं। और इन हीलिंग्स को सीखकर अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉर्न हीलर हैं तो आप ये चीज़ें और वो चीज़ें सीख के बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे आप में कौन से टैलेंट होंगे जन्म से ही, अगर आप एक अच्छे हीलर हैं, उन चीज़ों को बॉर्न से ही आप लेके आए होंगे, आपके सोल में वो डिग्निटी, वो हीलिंग एबिलिटी होगी। पहला है, आप एक वॉन्डेड चाइल्ड होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप घायल होंगे, किसी ना किसी चक्रा प्रॉब्लम में होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर सकते तो दूसरे की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं हार्ट चक्र में, थ्रॉट में इनिशियल स्टेज में बहुत प्रॉब्लम होगी, देन आप उसे ठीक कर देंगे, आप नए लेवल पर आ जाएंगे, देन आप एज अ हीलर के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा साइन कौन सा है दोस्तों? दूसरा साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर अवेकन सोल। अवेकन, वेयर इज स्पिरिचुअलिटी? तो स्पिरिचुअलिटी कहां है? स्पिरिचुअलिटी राइट नाउ हियर है। आपको कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना है, कहीं नहीं जाना, आप जो काम कर रहे हैं एज अ ऑब्जर्वर कर रहे हैं, ऐसा साक्षी भाव कर रहे हैं, दृष्टा भाव कर रहे हैं, मतलब आप अगर राइटिंग कर रहे हैं, आप बुक राइट कर रहे हैं, आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एज अ ऑब्जर्वर कर रहे हैं, आप जान रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके हर एक काम से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के आसपास की एनर्जीज पे। तो ये स्टेज ही अवेकन, हु यू आर, आप कौन है, इस चीज़ का अनुमान लगाना, इस चीज़ को जानना ही अवेकनिंग कहलाता। कहीं ना कहीं आप भले रिचुअल्स को नहीं मानते, लेकिन ये जो स्टेज है आप में कई बार आती है। तीसरा साइन है, स्ट्रेंजर ओपन अप टू वेरी इजली। आपके सामने स्ट्रेंजर, जो अनजान लोग हैं, वो बहुत ईजिली ओपन हो जाते हैं, अपनी इमोशन को, अपने हार्ट को खोल के रख देते हैं। भाई साहब मुझे ये दिक्कत है, लेडी मुझे ये दिक्कत है, आपके सामने वो टोटली एक्सप्रेस कर देंगे, सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में से कोई ना कोई जो सजेशन निकलेगा ना, वो उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये चीज़ अगर आपके साथ ज़्यादा हो रही है, यू आर अ बॉर्न हीलर। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, यू अट्रैक्ट एनिमल ऑन योर पाथ। आप एनिमल्स को अपने रास्ते में हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कहीं बैठे हुए हैं एनिमल्स आपके पास आने लगे, आप कुछ ऐसे साइंस देख रहे हैं, ऐसे अच्छे लोग देख रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है। एनिमल्स को ये सेंस हो जाता है, एनिमल्स को तो ये भी सेंस हो जाता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है, वहाँ चिड़िया जाने लगती है। एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस है, वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं। ये सब साइंस हैं कि आप एक अच्छे हीलर हैं, आपके अंदर जो एनर्जीज हैं हील करने वाली हैं। बहुत सारे और साइन है, जैसे कि नेक्स्ट साइन है, यू कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ हीलर्स। कहीं ना कहीं आप हीलर की सोल हैं, या हीलर की फैमिली से आए हैं, या आपके सोलमेट हीलर हैं। अगर आप हीलर की फैमिली से हैं तो डेफिनेटली आप में वो एबिलिटी होगी, या आप लाइन, आपके फैमिली में कोई अगर हीलर रहा है तो डेफिनेटली डीएनए का भी, आपके पास लाइफ बैगेजेस का भी, साथ में जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये साइन है कि आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में, या आपके टकराया है आपसे, आपसे बार बार मिल जाता है, कोई भी हीलर मिलता है, इसका मतलब यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप हीलिंग एबिलिटीज़ को लर्न करें, सीखें। बहुत सारी चीज़ों पे सोसाइटी, समाज ध्यान नहीं देता, बट ये एबिलिटी अगर आप डेवलप कर लें, अपनी ही नहीं आसपास के सभी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है, यू आर क्लोज टू द नेचर। आप बहुत ही क्लोज होंगे नेचर के, प्रकृति के, प्रकृति और पुरुष के संतुलन से ही आप में सम्यक
पैदा होगी, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक ध्यान, इसी संतुलन से ही आप में प्रगति को अच्छे से देख पाना, एज अ ऑब्जर्व कर पाना, ये एबिलिटी टेंडेंसी डेवलप होगी। तो ये एबिलिटी भी आप में नेचुरली होगी। अब नेचुरली नेचर के पास जाएंगे और वहाँ अकेले समय बिताना आपको पसंद होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यू एक्चुअली वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। आपके अंदर बहुत इच्छा होगी कि आप दूसरों की मदद कर पाएं, दूसरों की हेल्प कर पाएं, जिससे उनके लाइफ में बहुत मिरेकल्स हो सकें। दोस्तों आपके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होगी कि मुझे मदद करनी चाहिए, आप सिर्फ इसलिए मदद नहीं करेंगे, आप चाहते होंगे, अंदर से चाहते होंगे कि हाँ मुझे मदद करनी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बेचैन करेगी अगर आप मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, यू हैव द हीलर्स मार्क। कहाँ पे? पाम में हीलर मार्क होते हैं। मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, आपके लिटिल फिंगर के नीचे जो एक स्वास्थ्य रेखा होती है, जो आपकी भाग्य रेखा से होके जाती है, गर्ल्स को उल्टे हाथ में देखना है, बॉयज़ को राइट हैंड में देखना है। अगर वर्किंग में है, नहीं वर्किंग में, तभी भी ऐसे ही देखना है आपको, लेफ्ट हैंड में गर्ल्स को देखना है। तो कोई अगर बुध के नीचे वर्टिकल लाइनें हैं, आपकी लिटिल फिंगर के नीचे वर्टिकल लाइन से मर्करी माउंट पे लाइनिंग है, डैट मीन्स है हीलिंग साइन। बहुत सारे और भी साइन होते हैं जो मैंने डिटेल से डिस्कस किया है ऑलरेडी, आप वो वीडियो पर जाके देख सकते हैं। ये हीलिंग साइन है, अगर आप में अच्छे हैं तो आप बॉर्न हीलर हैं एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीलर बनने के लिए, यू आर अ एम्पैथ। आप एक अच्छे एम्पैथ होंगे, आप में समानुभूति होगी। एक होता है सहानुभूति, सिंपैथी, ये दूसरा होता है सहानुभूति, राइट। सहानुभूति हम सब जानते हैं कि आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन एक एम्पैथी जो होती है वो आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के देख लेते हैं, आप सेंस कर लेते हैं सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे ठीक करें, इस समय मैं होता तो कैसे बिहेव करता, कैसे रिएक्ट करता। एक्चुअली यू आर अ वेरी गुड एम्पैथ, एक अच्छा एम्पैथ ही एक अच्छा हीलर होता है। तो आप में ये सारे टैलेंट होंगे, इसके अलावा बहुत सारे साइंस होते हैं, बेसिक मैंने बता दिए हैं, बाकी आप मुझसे जानते हैं बहुत सारे लोग कि आप मेरे में कौन सा साइन है। अगर आप में भी कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है इसके अलावा तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।